पैसा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम अक्सर पैसे को एक साधन या उपकरण के रूप में देखते हैं जिससे हम जो चीजें चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकें। लेकिन क्या आपने कभी भी पैसे को ऊर्जा यानी एनर्जी का एक रूप माना है? पैसा सिर्फ सिक्कों और कागज से कहीं ज्यादा है। इसमें एक विशेष एनर्जी होती है और पैसों के साथ हमारा संबंध ये निर्धारित करता है कि इसमें किस प्रकार की एनर्जी है। जब हम मनी के प्रति पॉजिटिव एनर्जी और हेल्दी आउटलुक के साथ अप्रोच करते हैं तो हम फाइनेंशियल अबंडेंस को प्राप्त करने के लिए खुद को ओपन कर देते हैं। वेरेस अगर धन के साथ हमारा रिलेशनशिप अभाव और नकारात्मकता से भरा है तो हम मनी की एनर्जी को रिपेल यानी निष्कासित करते हैं और समृद्धि की हमारी क्षमता को सीमित कर देते हैं। मनी की एनर्जी हमारी एस्पिरेशंस, फुलफिलमेंट और स्पिरिचुअल ग्रोथ से जुड़ी हुई है। इसकी एनर्जी को सही से समझना और उपयोग करना हमारे जीवन में अबंडेंस को अट्रैक्ट और मैनिफेस्ट करने की कुंजी है। धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए हमें धन के साथ अपने संबंधों को फिर से जोड़ने की जरूरत है। पहला स्टेप है मनी एनर्जी के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप को विकसित करना, स्केयरसिटी से अबंडेंस की ओर शिफ्ट होना। इसमें आपको मनी एनर्जी के लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को अपनाना है। मनी की पॉजिटिव एनर्जी को एम्ब्रेस करके हम खुद को एक अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। आप सभी को ये पता होगा अब तक कि यूनिवर्स के प्रत्येक चीज में एनर्जी है। इसलिए यदि आप हमेशा ये सोचते और बिलीव करते हैं कि मैं एक्स वाई जी को अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मैं सेविंग नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा टिकता ही नहीं, या मनी से रिलेटेड आपकी जो भी कंप्लेंट्स हैं, तो फिर ये आपके लिए आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि आप क्यों पैसों का अभाव अपने जीवन में देख रहे हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो ये थॉट्स आपको यूनिवर्सल सपोर्ट से दूर कर देते हैं और आपको एक होल्डिंग पैटर्न में बंद कर देते हैं जो आपके मनी फ्लो को बड़े पैमाने पर ब्लॉक कर देता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके बिलीव्स और अफर्मेशंस एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं फाइनेंशियल सक्सेस और अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए। हम अपनी एनर्जी और मानसिकता को प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस की ओर कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? सिंपली अपने बिलीव्स को एम्पावर करके और पॉजिटिव अफर्मेशंस को एवरीडे प्रैक्टिस करके। जैसे आप इन अफर्मेशंस को डेली कह सकते हैं टू मैनिफेस्ट वेल्थ, मनी एंड अबंडेंस। मैं अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में अबंडेंस को प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। मैं धन और वित्तीय समृद्धि के योग्य हूँ। पैसा मेरे पास आसानी से और सहजता से आता है। मैं अपने जीवन में आने वाले पैसे के लिए आभारी हूँ। मैं सकारात्मक वित्तीय अवसरों और सफलताओं को आकर्षित करता या करती हूँ। कई लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता जब वो अपने पैसों को कहीं स्पेंड कर रहे होते हैं या किसी को एज अ लोन देते हैं। उनके मन में ये डर आ जाता है कि अगर ये पैसे मुझे फिर से नहीं मिले या जितना मैंने अभी किसी चीज़ को खरीदने के पीछे खर्च किया उतना फिर से मैं कैसे कमा पाऊँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, शायद आप ये बात भूल रहे हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी और मनी भी एक एनर्जी ही है। मनी एक्सचेंज का एक माध्यम है जो विभिन्न रूपों में आता जाता और सर्कुलेट होता है। जब पैसा हमारे जीवन में अर्निंग्स, इन्वेस्टमेंट्स या किसी अन्य माध्यमों से आता है तो इसे शेयर करना और जेनरसली देना इम्पॉर्टेंट है जिससे मनी एनर्जी का फ्लो बना रहे। जब आप लॉ ऑफ गिविंग यानी देने के नियम को अपनाते हैं तो आप मनी के फ्लो को एक्टिव कर देते हैं और पैसों को रिसीव करने के लिए जगह बनाते हैं। इसलिए जब भी आप मनी को स्पेंड करें, खुश होकर करें और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें कि आपके पास उतने पैसे हैं खर्चने के लिए जिससे आप अपनी मनपसंद चीज़ को खरीद पा रहे हैं या किसी को एज अ गिफ्ट देने जा रहे हैं।
अब हम जान लेते हैं कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस जो आपको वेल्थ, मनी, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। नंबर वन, विजन बोर्ड। एक विजन बोर्ड बनाएं जिसमें आपके फाइनेंशियल गोल्स और एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करने वाले इमेजेस और वर्ड्स हों। डेली मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले अपने विजन बोर्ड को देखें। फील करें कि जो भी वहां आपने स्टिक किया है वो सब कुछ आपके पास है। नंबर टू, ग्रेटिट्यूड। हर रोज जब भी मौका मिले ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें। अपने लाइफ में आज तक जो भी अच्छा आपको मिला है और आज भी है, आपके पास जो भी पैसा है, अबंडेंस है, उन सब को अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में शामिल करें। नंबर थ्री, अफर्मेशंस। जब भी आपके माइंड में पैसों को लेकर नेगेटिव थॉट्स आएं, इमीडिएटली पॉजिटिव अफर्मेशंस को बोलना शुरू कीजिए विथ फीलिंग, पॉजिटिविटी एंड स्माइल। नंबर फोर, विजुलाइजेशन। रात में सोने से पहले या दिन में जब भी आपको थोड़ा समय मिले विजुलाइज करें। इमेजिन करें खुद को कि आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस, मनी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस सब कुछ है। आपने अपनी लाइफ में जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स को पाना चाहा, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, ज्वेलरी हो या कुछ भी, वो सब कुछ अब आपके पास है। नंबर फाइव, चैंटिंग एंड अप्लाइंग ऑफ मंत्रास, स्विच वर्ड्स और एंजल नंबर्स। जैसे आप अफर्मेशंस को बोलते हैं वैसे ही स्विच वर्ड्स, मंत्रास या एंजल नंबर्स को भी अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए। दिल से, विश्वास से, कंसिस्टेंसी के साथ एवरी डे इन्हें भी चैंट या अप्लाई कीजिए। आपको इस चैनल में मनी रिलेटेड मंत्रास, स्विच वर्ड्स और एंजल नंबर्स मिल जाएंगे। नंबर सिक्स, अपने वॉलेट को कभी भी खाली मत रखिए। जितना हो सके उसमें करेंसी नोट्स रखिए। खुद ही सोचिए जरा, जब आप एम्प्टी वॉलेट देखते हैं तो आपके मन में कैसी फीलिंग जनरेट होती है? लैक एंड स्केयरसिटी की, राइट? इसके विपरीत जब आपके वॉलेट में बहुत सारे नोट्स होते हैं, हाउ डू यू फील? हैप्पी, अबंडेंट, प्रॉस्परस, अमेजिंग। सो हमेशा अपना वॉलेट या पर्स नोटों से भरा रखें। नंबर सेवन, गोल सेटिंग। अपने जीवन में गोल्स को सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दुनिया में जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं वो क्लियर एंड स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स को सेट करते हैं, जिससे उन्हें अपनी एनर्जी एंड एफर्ट्स पर फोकस करने में मदद मिलती है। एंड नंबर एट, कल्टिवेट हेल्दी मनी हैबिट्स। अपने अंदर हेल्दी फाइनेंशियल हैबिट्स को डेवलप करें, जैसे सेविंग्स करना, फिजूल खर्चे ना करना, अननेसेसरी डेट से बचना एट्सेट्रा। इन प्रैक्टिसेस को जब आप डेली करेंगे विथ फीलिंग एंड इमोशंस, आप अपनी मनी वाइब्रेशंस और फ्रिक्वेंसी को इतना हाई कर देंगे कि वो आपकी रियलिटी में तब्दील होने के लिए बाध्य हो जाएगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। टेक केयर एंड टाटा।